Hello friends, welcome to your channel Wide Knowledge. तो चलिए शुरू करते हैं. हमने पहले 2011 जून वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे. ठीक है, 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे. तो अभी हम 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजंस. असर्शन में दिया हुआ है द सिस्टम अप्रोच गेव राइज टू कंटिंजेंसी मैनेजमेंट. रीजन ये है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है. ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन बी में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और सी में दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. एंड डी में दिया हुआ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ओके, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाता है ये बोथ आर ट्रू है, लेकिन ये जो रीज़न है ये असम्पशन को एक्सप्लेन नहीं करता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी. देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. 27, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन दिया हुआ है. असर्शन देख लेते हैं, इन दिस डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. देन इसका रीजन ये है द प्रेसिडेंट इंडिया कैन रिटर्न ए बिल पास्ड बाई ए स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन. ओके, तो इसका भी ये जो एक्सप्लेन है ये गलत है, तो ये इसका भी आंसर हो जाता है हमारा बी. ओके, बोथ ए एंड टू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 28, आरेन द फॉलोइंग एलिटिस्ट थियोरिस्ट इन प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. सी राइट्स मिल, माइकल्स, देन पेरेटो, देन मोस्का. ओके, इसे हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे. ठीक है, तो इसे देख लेते हैं. ये फर्स्ट आएंगे हमारा पेरेटो, देन हमारा आएंगे मोस्का, देन हमारा माइकल, देन सी राइट्स मिल. तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है बी, हमारा राइट आंसर. ओके, देन चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, आर इन द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, यूज कोड्स गिवन बिलो. फर्स्ट दिया हुआ है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन, देन चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, देन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. ओके, तो इसे हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे. ठीक है, तो पहले हमारा हुआ था प्यूरिटन रिवॉल्यूशन, देन हमारा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, देन हमारा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, एंड लास्ट में हुआ था चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन. ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये हमारा हो जाता है ए. देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच द फॉलोइंग आर प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसे हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे. इम्पोजिशन ऑफ अ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, फ्रीडम ऑफ अ कॉन्शियसनेस, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो देख लेते हैं. तो इसका जो आंसर है फर्स्ट आएगा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, देन कंसेंट, देन सेकंड में आएगा पार्लियामेंट लेजिस्लेशन ऑन स्टेट सब्जेक्ट, देन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, देन आया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ये हो जाता है ऑप्शन बी. देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 31, आर इन द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. दिया हुआ है फर्स्ट वन में दिया हुआ है लिबरलिज्म, सेकेंड में सोशलिज्म, देन थर्ड में दिया हुआ है पॉजिटिविज्म, देन फोर में दिया हुआ है एनार्किज्म. ओके, तो इसे हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. तो हमारा जो फर्स्ट आ जाता है लिबरलिज्म, देन आ जाता है सोशलिज्म, देन हमारा एनार्किज्म, और लास्ट में हमारा आ जाता है पॉजिटिविज्म. ओके, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है. ओके, ये हमारा
ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मैच लिस्ट दिया है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को हमें मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट वन में दिया हुआ है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, एक्सेस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। देन सेकेंड में दिया है लिस्ट टू में लमसम मनी ग्रांटेड विदाउट डिटेल्ड एस्टिमेटेड, देन एडिशनल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द अप्रूव्ड बजट, देन अमाउंट स्पेंट इन एक्सेस ऑफ ग्रांट्स। देन हमारा फोर्थ में दिया हुआ है ग्रांट्स इन एडवांस पेंडिंग बजटरी अप्रूवल्स। ओके, तो इसका जो देख लेते हैं कोर्स क्या दिया हुआ है। ओके, कोर्स दिया हुआ है, देख लीजिए कोर्स क्या दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, एक्सेस डिमांड फॉर ग्रांट्स। ओके, डी का है हमारा अमाउंट स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट्स, तो ये मैच होता है डी का थ्री। ओके, देख लेते हैं डी का थ्री कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी का थ्री, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। ओके, ऐसे हमें एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच द फॉलोइंग केम इन टू एग्जिस्टेंस यूज द कोड्स गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट में दिया हुआ है स्वतंत्र पार्टी, देन मुस्लिम लीग, देन भारतीय जनता पार्टी, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसे हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो बना था ये मुस्लिम लीग बना था, ठीक है, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन हमारा स्वतंत्र पार्टी, देन भारतीय जनता पार्टी। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ये हो जाता है सी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू, देन जॉन लॉक, आलमंड, अर्थर बेंटली। ओके, तो इसे हम आर एन द फॉलोइंग थिंकर्स इन। ओके, हमें इसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हमारा जॉन लॉक फर्स्ट आ जाते हैं। ओके, देन हमारा मॉन्टेस्क्यू, देन फोर्थ में देन फोर्थ जो अर्थर बेंटली है, देन आलमंड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा यह जाता है डी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है ए स्टेट हुई डोमिनेट्स एंड सबॉर्डिनेट्स नेबरिंग स्टेट्स विदाउट टेकिंग देम ओवर इज ए क्रोनोलॉजिकल पावर, डोमिनियन पावर, ग्रेजन पावर, देन सुजेरियन पावर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है डोमिनेट एंड सबॉर्डिनेट नेबर्स, तो हमारा ये जाता है डोमिनियन स्टेट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। तो हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36। आर इन द फॉलोइंग रिवोल्यूशंस इन ऑर्डर दे टुक प्लेस यू द कोड्स गिवन बिलो। ओके, तो इसे हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ये इसका ईयर के वाइज। ओके, ये रिवोल्यूशन सारे, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन, बल्शेविक रिवोल्यूशन, मेंशेविक रिवोल्यूशन एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ था, हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्स्ट हुआ था, देन मेंशेविक रिवोल्यूशन, देन हमारा हुआ था हमारा ये बल्शेविक रिवोल्यूशन, देन हमारा हुआ था ये अक्टूबर रिवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37। अरेन द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके, क्रोनोलॉजिकली इसे अरेंज करना है, तो देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, देन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, देन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, देन वियना कांग्रेस। ओके, तो देख लेते हैं कोर्स क्या दिया हुआ है।
ठीक है, तो कोर्स दिया हुआ है। हाँ, हमारा ये जो राइट आंसर होगा, हमारा ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पहले हुआ था, देन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, देन हमारा हुआ था वियना कांग्रेस, देन ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, आर इन द फॉलोइंग अर्थ समिट्स हेल्ड सो फार इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द कोच गिवेन बिलो। दिया हुआ है रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन, देन बाली कन्वेंशन। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट हुआ था रियो डी जेनेरियो, देन हमारा हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, देन हमारा हुआ था बाली एग्रीमेंट, एंड लास्ट में हुआ था कोपेनहेगन। ठीक है, ये लास्ट में हुआ था, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये सी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आर इन द फॉलोइंग चेयरमैन्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड अरेंज एंड आंसर बाई यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। ए एम खुसरो, एन के पी साल, देन डॉक्टर विजय केलकर, देन डॉक्टर सी रंगराजन। ओके, तो इसे हमें, ये सब फाइनेंस कमीशन्स थे, तो इसे हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, कौन से ईयर में कौन रहे थे फाइनेंस कमीशन, इसे हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो हमारा जो फर्स्ट थे एन के पी साल, देन हमारा रहे एम के खुसरो, सॉरी ए एम खुसरो, देन हमारा रहे डॉक्टर सी रंगराजन, देन लास्ट में डॉक्टर विजय केलकर। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है हमारा ये सी हो जाता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50, मैथ्स लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट वन ऑथर और लिस्ट टू बुक्स दिया हुआ है, तो ऑथर एंड बुक्स को हम मैच करना है, कौन सी ऑथर कौन सी बुक राइट किए थे। ओके, एच जी वेल्स, देन अल्मंड जे टनबी, देन विल डूरंट, देन स्टीफन हॉकिंस। ओके, तो जो बुक्स है हमारा ये एच जी, हाँ एच जी वेल्स का था हमारा ये आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, देन आर्नोल्ड जे तैनबी का, ठीक है, ये था हमारा ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, देन विल डूरंट ये था द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, एंड देन स्टीफन हॉकिंस इनका था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, तो इसे आप याद रख लीजिए, क्योंकि ऑथर एंड बुक का हर साल आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लीजिए। ओके, फिर से मैथ्स लिस्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, इसका जो राइट आंसर था ये था डी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 41, मैथ्स लिस्ट दिया है, लिस्ट वन में दिया है लिबरलिज्म, अनार्किज्म, फासिज्म, डेमोक्रेसी सिंथेसिस एंड प्राइमेसी ऑफ द सोशल, देन लिस्ट टू में दिया हुआ है एस सी बोस, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड आर सी दत्त। ओके, तो इसे हमें मैच करना है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, हमारा ये जो लिबरलिज्म है, ठीक है, हमारा लिबरलिज्म किससे रिलेटेड है, हमारा ये जो लिबरलिज्म है ये हमारा आर सी दत्त। ओके, ये हमारा आर सी दत्त है, और उसके बाद दिया हुआ है देन एनार्किज्म, फासिज्म और प्राइमेसी ऑफ द सोशल। ओके, एनार्किज्म तो हमारा ये हो जाता है गांधी, ठीक है, एनार्किज्म हमारा हो जाता है एम के गांधी, तो हमारा इसे ही आ जाता है, हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्व हो जाता है यह हमारा राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैथ्स लिस्ट वन विथ लिस्ट टू दिया हुआ है, लिस्ट में थ्योरी थ्योरीज एंड टू में दिया हुआ है थ्योरिस्ट। ओके, कौन सा थ्योरी किस थ्योरिस्ट के द्वारा दिया गया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोसीडुरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, देन पॉलियर्ची। ओके, तो हमारा लिस्ट टू में दिया हुआ है
एंटोनी डाउन्स, देन जोसेफ चॉम्पटर, देन एडी लिंचे, देन रॉबर्ट डाल। ओके, तो हमारा ये जो इसे हमें मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं, तो हमारा क्लासिकल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी ये हुआ था हमारा एडी लिंचे के द्वारा। देन प्रोसीडर थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी ये हुआ था जोसेफ चॉम्स्टर के द्वारा। ओके, देन इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी ये हुआ था एंटोनी डाउन्स। देन हमारा लास्ट बच के पोलिया की ये है हमारा रॉबर्ट दाहल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये सी, ऑप्शन सी हो जाता है हमारा राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 43, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कम्युनिकेशन थ्योरी, जनरल सिस्टम थ्योरी, देन रैशनल चॉइस। ओके, लिस्ट टू में दिया है डेविड ईस्टन टू, देन कार्ल डच, देन एंटोनी डाउन्स, देन गैब्रियल अल्मंड। ओके, तो इसे हमें मैच करना है, ठीक है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है ये गैब्रियल अल्मंड, देन कम्युनिकेशन थ्योरी तो हमारा कार्ल डच के है, देन जनरल सिस्टम थ्योरी हमारा डेविड ईस्टन, और रैशनल चॉइस हमारा है एंटोनी डाउन्स। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44, मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में दिया है कॉन्सेप्ट एंड लिस्ट टू में दिया है थिंकर से। तो कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन से थिंकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, नेचुरल राइट्स, मोनिज्म। देन लिस्ट टू में दिया है मॉन्टेस्क्यू, जॉन ऑस्टिन, जॉन लॉक एंड डीके। तो इसे हमें मैच करना है, ठीक है। तो हमारा ये जो होता है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमारा डीके के द्वारा, देन हमारा सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू, देन नेचुरल राइट्स ये है हमारा जॉन लॉक, देन मोनिज्म इज जॉन ऑस्टिन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45। लिस्ट वन में दिया हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट, टू में बी में फॉरवर्ड ब्लॉक, देन सी में राजाजी फॉर्मूला, देन INA ट्रायल्स। ओके, इंडियन नेशनल असेंबली ट्रायल्स। ओके, देन टू में दिया है 1942, देन 1945, देन 1944। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा हुआ था 1942। ओके, देन हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था हमारा 1939 में, और राजाजी फॉर्मूला आया था हमारा 1944 में, देन आयन ट्रायल आया था हमारा 1945 में। ओके, तो हमारा ये जो राइट आंसर हो जाता है ये हमारा ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैच लिस्ट वन में दिया हुआ है फर्स्ट चाइना विजिट बाय ए फॉरेन मिनिस्टर आफ्टर 1962, मैसिव अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन बॉश डिप्लोमेसी, देन इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ओके, तो लिस्ट टू में देख लेते हैं क्या है, पीवी नरसिम्हा राव से गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी से गवर्नमेंट, देन इंदिरा गांधी से गवर्नमेंट, देन मोरारजी देसाई से गवर्नमेंट। ओके, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ये हो जाता है हमारा सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लिस्ट वन में दिया है इक्विलिब्रियम थ्योरी, देन रियलिस्टिक थ्योरी, देन गेम थ्योरी, देन कम्युनिकेशन थ्योरी। तो हमारा थॉमस सी सेलिंग, हैंस जे मोगंथो, जॉर्ज लिस्कर, देन कार्ल डब्ल्यू डच। ओके, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम थ्योरी था ये दिया हुआ था हमारा जॉर्ज लिस्के के द्वारा, देन हमारा रियलिस्ट थ्योरी,
रियलिस्ट थ्योरी दिया हुआ था हांस मॉर्गेंथाउ। देन गेम थ्योरी, गेम थ्योरी तो आपको पता ही होगा कि सेलिंग जो थॉमस सी सेलिंग, और हमारा लास्ट में कम्युनिकेशन थ्योरी ये कार्ल कार्ल डब्ल्यू डिच। ओके तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये हमारा सी हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। लिस्ट वन में दिया है ऑथर स्टैनली हॉफमैन, देन बी एच कार के जे हॉल्स्टी, देन हैंस मॉर्गेंथाउ। ओके लिस्ट टू में दिया है बुक्स पॉलिटिकल एग्जाम ऑफ नेशंस, देन कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देन द वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड्स। ओके तो हमारा ये स्टैनली हॉफमैन के द्वारा कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, देन हमारा ई एच कार के द्वारा द वर्ल्ड बिटवीन टू वर्ल्ड्स, देन हमारा के जे हॉल्स्टी हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देन हमारा लास्ट में हांस मॉर्गेंथाउ ये पॉलिटी अमंग नेशंस। ओके तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये डी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49। रेंसिस लॉकट और चेस्टर बर्नर्ड, देन चेरिस आर्गेरिस, देन कॉट लेवन। ओके तो लिस्ट टू में दिया हुआ है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, देन ग्रुप डायनामिक्स, देन जोन ऑफ आइडेंटिटी सॉरी इनडिफरेंस। ओके तो इसे हम मैच करना है। तो ये हमारा जो रेनिस्ट इलेक्ट्रॉन है ये है हमारा पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, देन हमारा चेस्टर बर्नर्ड ये है जोन ऑफ इन डिफरेंस, देन हमारा चेरिस आर्किरिस ये हमारा है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, देन कॉल्ड कॉट लेविंस ये है हमारा ग्रुप डायनामिक्स। ओके तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये हो जाता है हमारा ए। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सेशन का ये है लास्ट क्वेश्चन, ये जो जून 2011 वाला क्वेश्चन पेपर है ये इसका आखिरी क्वेश्चन है 50। मैच लिस्ट दिया है पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट, देन ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। ओके ये इसका ईयर है 1964, 1956, देन 1915 एंड 1955। ओके तो हमारा ये जो पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट ये हुआ था 1850 में, देन हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल ये हमारा हुआ था 1955 में, देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये हुआ था हमारा 1964 में, देन रेलवे सर्विस कमीशन ये हुआ था 1956 में। ओके तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है ये हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। तो आज का क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दिए, और डिसलाइक क्यों किया इसका रीज़न भी लिख दीजिए ताकि कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है तो अपने दोस्तों को भी ये चैनल को शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और हम बाकी का ये जो क्वेश्चन पेपर है 2012 वाला, 2013, 14 और 15 ये सब सारा ही हम नेट एग्जाम के पहले पहले ही हम ख़त्म कर लेंगे। दिसंबर 2018 वाला नेट के पेपर के पहले ही हम ये सब ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है तो ओके थैंक यू।